हेलो गाइस, तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और गाइस आज आपको बताने वाला हूँ प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का जो गाइस एटीएम कार्ड होता है उसको कैसे प्राप्त करें या कैसे लें, आपको वो एटीएम कार्ड कैसे मिलता है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस इसका जो ऐप है मैं आपको पहले थोड़ा ऐप के बता दूँगा कि ये जो ऐप है इसका, ये ऐप भी उसी एटीएम कार्ड से ही दोबारा चलता है। अगर आपने इसका आईडी नहीं बनाया है तो मैं इसका भी लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसको देख करके इसमें आईडी बना सकते हैं। तो गाइस इसका एटीएम कार्ड जैसे आपने देख लो थंबनेल में, इसका एटीएम कार्ड गाइस दो चांस होते हैं एटीएम कार्ड मंगाने के। एक तो होता है गाइस अगर आप जाकर के बैंक में, आप बैंक में जाकर के उनसे मैनेजर से बोलोगे जो होता है खाता प्रबंधक होता है, आप उससे जाकर बोलोगे कि भाई मुझे ए टी एम कार्ड चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे तुम्हारे लिए एक फॉर्म देंगे। और गाइस वो फॉर्म भरने के बाद में वह फॉर्म जब आप उनको दोगे तो वो आपको ए टी एम कार्ड दे देंगे। और गाइस दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें पर्सनल ग्रामीण बैंक में कि आप जो कि कॉल से या फिर किसी कस्टमर केयर से कॉल करके आपको ए टी एम कार्ड मिल जाएगा, या आपको कोई वीडियो में कहता है कि हाँ ए टी एम कार्ड मिल जाएगा, तो भाई वो फ्रॉड है, वो गलत कहता है। इसका कोई और दूसरा चांस है ही नहीं ए टी एम कार्ड लेने का, आपको ए टी एम कार्ड सिर्फ उसी से मिलेगा बैंक जाके ही, बैंक द्वारा मिलेगा, और कोई इसका तीसरा चांस है नहीं। तो गाइस ये देख लीजिए इसका ये ऐप है, मैं आपको थोड़ा इसके ऐप पर बता दूँ। ये देख लीजिए ये इसका ऐप है पूरा, और इसमें गाइस आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं देखने के लिए। जैसे गाइस ये देख लीजिए ट्रांजेक्शन हो गया, ये माई प्रेस है, ये पेमेंट रिचार्ज है, डेबिट कार्ड है, यहाँ से भी आप चाहो तो अपना एटीएम कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। गाइस ये भी अभी इसमें अभी आया ऑप्शन, ये देख लीजिए ये इसमें चार पांच ऑप्शन है अभी ऐड हुए हैं, मैंने फाइल दिखाया नहीं था इतना, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ। आपने चाहो तो आपको पिन भी यहीं बन जाएगा आपका, देख लीजिए, और इनेबल डिसेबल सब हो जाएगा इसमें। अपडेट एटीएम कार्ड लिमिट, मतलब एटीएम कार्ड की लिमिट बढ़ जाएगी, तो ये इसमें बहुत अच्छा फीचर ऐड कर दिया गया है। लेकिन आपको जो एटीएम कार्ड मिलेगा वो बैंक से ही मिलेगा गाइस, और उसके बिना आपको एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा। तो गाइस ये देख लीजिए पूरा ऐप है, और ये इसमें मैं ट्रांसफर करता हूँ, इससे मेरा फ़ोन पे गूगल पे सब चीज़ चल रहा है बाकायदा, इससे मेरा कोई भी चीज़ रुकवा नहीं है, सारी चीज़ चलती है इससे, सारी भी चीज़ बक करती है। तो आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो आप बैंक जाओ और वहाँ से वो फार्म आपको देंगे, आप वो फार्म ले लेना और भर के उनको दे देना, तो वो आपको एटीएम कार्ड दे देंगे। अगर नहीं होगा तो आपको बोल देंगे दोबारा कि भाई आज नहीं कल आ जाना, तो वह इस तरह से आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तो लेकिन जय हिंद, वंदे मातरम।